थोड़े से नॉस्टैल्जिक तो ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे। सो आज है फ्राइडे 24th of May। इट्स द फाइनल डे जब हम लोग ट्यूसॉन से मूव कर रहे हैं शिकागो। सो आज इस घर का लास्ट डे है, हम लोग अपने नए घर में जाने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, नॉस्टैल्जिक भी हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये मेरा पहला घर था शादी के बाद, तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट अलग है मेरी यहाँ से। मेरा बेटा यहाँ पे बॉर्न हुआ था एंड स्पेसिफिकली मेरी यूट्यूब की जर्नी भी यहीं से स्टार्ट हुई थी, तो मैं आप लोगों से भी इसी घर के थ्रू मिली थी। तो थोड़ा सा इमोशनल मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी इस घर से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि उन्हें US आए हुए 7 years हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस घर में रहे हैं। लाइक 4 years उन्होंने इस घर में बिताए हैं, और 3 years वो 2 years पहले किसी और घर में थे एंड 1 year वो किसी और घर में थे। सो उनका भी मैक्सिमम टाइम जो था वो यहाँ पे निकला है, तो ऑब्वियसली उनको भी बहुत अटैचमेंट है इस घर से। तो हम लोग थोड़े से नॉस्टैल्जिक तो ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गए हैं एंड एक्साइटेड भी हैं कि हम लोग नई जगह जा रहे हैं, नई सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। एंड जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको बताऊँ आपकी सारी गुड विशेस मेरे काम आ गई। कल मैं जब गई थी अपने टेस्ट के लिए, सक्सेसफुली मैंने एक बारी में अपना रोड टेस्ट क्लियर कर लिया एंड मुझे लाइसेंस मिल गया। आई नो मैंने वो वीडियो बाद में डाला है, ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए मैं पहले चली गई थी, बट मुझे कहीं ना कहीं पता है आप लोग इतने प्यारे प्यारे मुझे विशेस करते हो, कहीं ना कहीं वो विशेस ना डेफिनेटली काम आती हैं। सो थैंक यू सो मच यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। मुझे कभी नहीं पता था कि इंटरनेट के थ्रू हम इतने सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं जो हमारी खुशी में खुश होते हैं, जब हम सैड फील कर रहे होते हैं तो सैड फील करते हैं। थैंक यू सो मच। तो मेरा वो काम हो गया है एंड पैकिंग वगैरह हो चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम सारे रेडी हो चुके हैं, सब पैकिंग वगैरह डन हो गई है। अभी अराउंड 8:30 हुआ है, बस हम लोग 10:30 के अराउंड निकलेंगे, हमारी फ़्लाइट है 1:30। सो थोड़ी सा टाइम है अभी, थोड़ा सा घर वगैरह फिर से स्वीप करेंगे, कुछ सामान ना रह जाए। वैसे तो हमने मेजरली सब कुछ पैक कर लिया है, खाना हम लोगों ने बना लिया है, तो मैं अभी आपको क्विकली वॉक थ्रू कराऊंगी चीज़ों से कि किस तरीके से सब कुछ पैक हुआ है और कैसे हम लोगों ने घर को क्लीन कर दिया है। और बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा तो बुरा लग ही रहा है, बट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू कि अब मेरे नए व्लॉग्स आएंगे, नई जगह से व्लॉग्स आएंगे। सो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स राइट नाउ एक्चुअली। घर हैंडओवर कर दिया है एंड कीज़ वगैरह सब हैंडओवर कर दिए हैं, तो वो अभी खुद ही से ही लॉक करके जाएंगे। एंड हमने अपना सारा सामान जो है वो नीचे रख लिया है। कैसा लग रहा है आपको घर छोड़ते हुए? 4 साल हो गए, हाँ काफ़ी अटैचमेंट है, ठीक है, एक्साइटमेंट है नई जगह की, पुराने को छोड़ना पड़ता है, पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत बुरा लगता है जब अपने घर को आप छोड़ के जाते हो, बट ठीक है, एक्साइटमेंट भी है नई जगह जाने के लिए। तो बस ये लास्ट फाइनल गुड बाय है हमारा इस घर को, और हमारी फ्रेंड आई है जो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करेगी। तो मैंने लास्ट बार सोचा कि सराउंडिंग्स की वीडियो ज़रूर बनाऊं, बिकॉज़ यू नो ट्यूसॉन बहुत ही छोटा शहर है, हमें नहीं पता कि अब हम कभी यहाँ वापस लौटेंगे भी या नहीं। ट्यूसॉन की गर्मियाँ दो बहुत हार्श होती हैं, बट यहाँ की विंटर्स बहुत अच्छी होती है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो कहीं पर भी आपको रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। तो ओवरऑल मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगा, और बस सारी मेमोरी समेट के हम पहुंच चुके हैं अब एयरपोर्ट। सो हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, और बस अब हम लोग गेट पे जाकर बैठेंगे, और काफ़ी भूख लगी है क्योंकि हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था एट अराउंड 6:30, तो कुछ खाएंगे पिएंगे और मैं तब आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना के लाई हूँ रास्ते के लिए। और यहाँ पे गोविंद है जो बहुत एक्साइटेड है,
और रास्ते में खाने के लिए मैं आलू मटर की सब्ज़ी और कुछ प्लेन पराठे बनाकर लेकर आई हूँ। ये रास्ते में खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। और बस फाइनली हमारा प्लेन अब टेक ऑफ कर रहा है। हम ट्यूसॉन से जाने वाले हैं डेनवर, और डेनवर के से हम जाएंगे शिकागो। अनिरुद्ध को खिलाएंगे पराठा, क्योंकि आज उसने लंच ठीक से नहीं किया, उसने बस बनाना खाया था ट्यूसॉन एयरपोर्ट पे। और हम लोग यहाँ पे कुछ चटपट करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या खाना ऑर्डर किया और उसके बाद फिर बताऊंगी कि खाना कैसा था। ये एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, शायद मैं आपको बता चुकी हूँ, कैंटीना। क्वेसो और टैकोस मंगाए थे, देवर यमी, देवर गुड। तो बस वो खा लिया है और अभी हमारी फ्लाइट यहाँ से ऑलमोस्ट कितनी देर बाद है, 3 आवर्स। यस, तो अभी हमारा लेओवर जो है वो 3 आवर्स का है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इस टाइम को यूटिलाइज करूँ और अपनी वीडियो एडिट कर लूँ। सो हम लोग गेट पर आकर बैठ चुके हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट में जस्ट 1 आवर ही बचा है। एंड मैंने इस टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ किया, अपनी वीडियो एडिट कर ली एंड इट इज़ रेडी टू अपलोड। तो अभी अंशुलो से अपलोड कर रहे हैं, तो बस यही है, अभी फटाफट से उसे अपलोड करते हैं और थंबनेल वगैरह बना के एडिट करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का नेट बहुत अच्छा है तो मैं उसे भी अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। सो फाइनली हम लोग लैंड करने जा रहे हैं शिकागो में। पहुंच चुके हैं शिकागो और अभी हम लोग अपने मेन जो टर्मिनल जहाँ पे हमने प्लेन डीबोर्ड किया था, वहाँ से हम लोग अभी कार रेंटल्स पे आ गए हैं। और कार भी हम लोगों ने पहले ही बुक करा रखी थी, तो कार भी हम लोगों को मिल गई है। बहुत सारा सामान है इसीलिए हम लोगों ने पहले कार ले ली थी। एंड अगर मैं बताऊँ मुझे शिकागो कैसा लगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा था, तो जैसे ही मैं फ़्लाइट से उतरे हम लोग, तो जो एरो ब्रिज होता है वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया में बारिश होने के बाद मौसम हो जाता है ना नमी वाला, वो चीज़ मुझे लगी, जो कि ट्यूसॉन में हम बहुत मिस करते थे, तो ये प्लस पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, बहुत बड़ा सिटी है तो थोड़ा सा डर भी है कि कैसा होगा, कैसे यहाँ पर चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं ट्यूसॉन से वो बहुत छोटा था। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और ऑलरेडी 12 बज चुका है, तो चलिए चलते हैं। और कल का दिन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कल हम अपना अपार्टमेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। हम लोग होटल रूम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अभी 1 o'clock हुआ है। सो ऑलमोस्ट हमें 13 hours हो गए हैं घर से निकले हुए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आपको पता ही होगा ट्रैवलिंग में कितना ज़्यादा शरीर टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अनिरुद्ध तो होटल रूम में आते ही एकदम रोना स्टार्ट कर देता है, तो अभी उसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दिया है। और अभी हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि हमने दोपहर को ही वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जो खाया था वो खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि आज ना हमारी दोनों फ्लाइट्स में 2 सीट्स एक साथ थी और 1 सीट अलग थी, तो अंशुल अलग बैठे हुए थे और मैं और गोविंद अलग बैठे हुए थे, तो हम लोग कुछ खा नहीं पाए, तो इसीलिए बहुत तेज़ भूख लगी है। अभी बस खाना गर्म कर रहे हैं अंशुल, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खा के सोएंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो. एंड यू हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड. फिर से मिलेंगे एक और स्वीट से ब्लॉग के साथ. टिल देन यू टेक केयर. बाय बाय.